प्रशासन मान जाओ, क्योंकि खुदकुशी करने एक बार फिर टंकी पर चढ़ने वाला है युवक। शुभरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यहाँ भूपेंद्र गुप्ता, जो करीब एक डेढ़ महीने पहले प्रशासन से त्रस्त होकर टंकी पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, वहीं पुलिस टीम द्वारा उसको सही सलामत नीचे उतारा गया और वहीं उसको आश्वासन भी दिया गया कि काम हो जाएगा। लेकिन आज डेढ़ महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा उसका कोई भी काम नहीं हुआ है। और तो और, कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा भी नोटिस कलेक्टर को जारी कर दिया गया है, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और आज भी व्यक्ति कहीं कलेक्ट्रेट और नगरपालिका के चक्कर काट काट कर अपनी चप्पलें चटका रहा है। वहीं जब मीडिया टीम ने बात की तो उसने कहा कि अगर अब काम नहीं हुआ तो मैं पुनः टंकी पर चढ़कर खुदकुशी करूंगा। रिपोर्ट देखिए। तुम्हारा भूपेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, आप यहाँ पे नगरपालिका आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? सर, मेरे दो महीने पिछले से दो कैबिनेट मंत्री के दो पत्र होने के बाद भी राशि जमा नहीं हो रही, रसीद नहीं दे रहे हैं ये। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास के लिए। आप वही हैं जो टंकी पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ हाँ, वही हूँ मैं। और यदि मैं ज़्यादा त्रस्त हो जाऊँगा तो पुनः पुनरावृत्ति ऐसी करूँगा कि मैं दोबारा से चढ़ जाऊँगा कोई भी ऐसी ऊँची जगह देख के, क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा त्रस्त हो चुका हूँ कागजों के मामले में। अच्छा, तो आपने इस मामले को लेकर और किससे बोला है? कलेक्टर से बोला है, कलेक्टर को पूरी फाइल दी है 14 जनवरी को। उसके बाद फिर कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब के यहाँ वो फाइल अटक के ही रह गई है, वहाँ पे नोट शीट बन के गई है, वो वहीं अटक के रह गई है। अभी तक कोई उसका नहीं हुआ है, कोई निपटारा नहीं हुआ है वहाँ से, ना ही अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। अच्छा, अभी जैसे नहीं हो पाता है, अभी नहीं हो पा रही है जैसे कार्रवाई, तो आप क्या करेंगे फिर? मैं दोबारा टंकी पर चढ़ जाऊंगा, दोबारा कोई ऊंचाई की जगह पकड़ लूंगा जिससे कि भाई ये लोग वहाँ पे आए और मेरा काम त्वरित तरीके से निपटाएं। अच्छा, आपको लगता है कि आप जैसे टंकी पर चढ़ जाओगे तो फिर ये पुनः आपका जैसे फिर वही बर्ताव देख कर क्या ये पूरी कार्रवाई करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल करेंगे, इन्हें आना पड़ेगा। पहले भी प्रशासन आया था, प्रशासन के कानों में ये बात है कि आवेदक पहले भी त्रस्त हुआ था और अभी त्रस्त ना हो तो अच्छा है, लेकिन ये फालतू की कागज की चोचलेबाजी कर रहे हैं, वो गलत है। खाए की 5-5 हज़ार की आवेदक की 4 किस्तें जमा कर लें, उसके बाद भी ये नहीं मान रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रसीद नहीं दे रहे हैं।